हे गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम यूट्यूब थंबनेल बनाने वाले हैं। यूट्यूब थंबनेल बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है यूट्यूब थंबनेल बनाना, क्योंकि भी यूट्यूब थंबनेल से ही वीडियो क्लिक होती है, ज़्यादातर इसी से होती है। तो गाइस, वीडियो रैंक भी होती है यूट्यूब थंबनेल से। दो ऐप चाहिए, एक पिक्सआर्ट चाहिए, एक पिक्सल लैब, बस हो जाएगा। तो गाइस, अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो हेलो, करके थोड़ा सेट कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सही रहेगा। तो उसके बाद अब हम लोग को जाना है कलर में। कलर में जाने के बाद अब हमें जो भी आपको पसंद हो वैसे कर लीजिएगा। ऐसे ढूंढ लेते हैं हम लोग कोई भी कलर, ज़रूरी नहीं है सेम करना, चेंज कर लीजिएगा, मतलब सब चेंज अपने करेंगे तो थोड़ा आपका भी मतलब हो जाएगा ना। यूट्यूब हम ऑरेंज रखते हैं, थंबनेल पर सेम वही ऊपर वाला लिखेंगे, हाउ टू मेक वाला देख लेते हैं और सब। हाँ, ये सही रहा, और सब देख लेते हैं क्या क्या कैसे है। हो गया, तो कलर हमने कर दिया गाइस। कलर करने के बाद अब हमें चलना है, इसे इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद हमें ये थोड़ा सेट करना पड़ेगा, इसे देख लीजिए आप भी कर लीजिएगा। तो ऐसे हम लोग सेट कर लेते हैं, कम ज़्यादा जो भी होता है ये। हाँ, तो ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पर ये थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ मैं। हाँ, तो अब हम लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं। यूट्यूब पे करना है इनेबल। इनेबल करने के बाद अब हमें ये थोड़ा चेंज कर लेना है, इसका कलर जो भी अच्छा लगे हम कर देते हैं। तो इसको हम करते हैं, करने के बाद फिर नीचे और जाते हैं, इसको भी थोड़ा सही कर देते हैं। तो फिर जल्दी कर लेते हैं ऐसे, इसको भी ऐसे आप कर लीजिएगा। अब इसे करने के बाद आपको करना है, यहाँ पर आना है, ये इससे मतलब PNG बन जाएगा। ये PNG बनाना है हमें, PNG बनाने से पहले हमें ऐसे करना है, ये चीज़ करना है, ये दोनों इनेबल करना है हमें। इनेबल करने के बाद ऐसे खींचना है, मतलब ऊपर खींचना है। इससे क्या होता है ना, जैसे मतलब आपका थंबनेल प्रोफेशनल थोड़ा टाइप का दिखता है और अच्छा दिखने लगता है। तो ऐसे इसे खींच लेंगे आप कलर चेंज कर सकते हैं, कलर जो भी करना चाहें। मैं ब्लैक किया हूँ, तो ब्लैक करने के बाद अब ये देख लीजिए कैसा लग रहा है। तो इसे कर दीजिएगा आप, फिर सही पे करके फिर इसे अब हम लोग PNG बनाएंगे, बैकग्राउंड PNG हो जाएगा। ये देखिए PNG हो गया, अब इसे हम सेव करेंगे।
सेव करने के लिए हमें सेव कर लेते हैं, सेव एस इमेज पीएनजी रखना है इसे, और नीचे वाला जो है क्वालिटी अल्ट्रा लिख देना है, मतलब अल्ट्रा कर देना है आपको। अल्ट्रा करने के बाद ये सेव हो जाएगा।